मुकेरिया विखे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान संजीव मिन्हास अते एससी मोर्चा प्रधान सुरेंद्र जाजा की अगुवाई च बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी के बुत ते फुलमाला पा के उन्होंने नमन किया गया। पत्रकारों नाल गलबात करदिया भाजपा आगू संजीव मिन्हास ने नवांशहर च भाजपा आगुआ अते वर्करां नाल होई धक्केशाही की सख्त शब्दों च निखेधी करदिया कहा कि यह सब कुछ कांग्रेस के शरारती अंसरां वल्लों किया गया है जिसनों कि भाजपा वल्लों कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंग करदिया कहा कि सरकार नूं अजिहे शरारती अंसरां विरुद्ध सख्त तो सख्त कार्रवाई अमल च लियाउणी चाहीदी है तां जो भविख च दोबारा कोई भी व्यक्ति अजिही घिनौनी हरकत नूं अंजाम ना दे सके। मुकेरियां तो हुशियारपुर न्यूज़ के नाल दिलबाग सिंह गुराया ते रविंदर सिंह खालसा की रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी अज जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ने नमन किया और मैं इस गल की निखेधी भी करदा कि परसों नवांशहर विखे जो भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के कार्यकर्ता बाबा साहब नू नमन कर रहे सगे उन्होंने हार पा रहे सगे तो कुछ जड़े शरारती अंसर ने उन्होंने वो जड़ा हार है प्रतिमा तो ला के थले सुटिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाल जड़ा उन्होंने झगड़ा किया उन्होंने धक्का मुक्की की और असी इस गल की इंसाफ की मंग भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाल जड़ा धक्का कुछ कांग्रसिया ने कुछ जड़े होर कई शरारती अंसर सके उन्होंने किया और सारी वीडियो भी वायरल हुई है उन्होंने जल्द तो जल्द जी है कार्रवाई होनी चाहिए है उन्होंने परचे होने चाहिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेदकर जी साडे भारत के संविधान निर्माता जेडे कि साडे सारिया के सांझे है उन्होंने कोई भी नमन कर सकता उन्होंने कोई भी फुलमाला अर्पण कर सकता और जिस तरीके पंजाब का माहौल बनया होया कि पंजाब दे विच कुछ शरारती अंसर जिहड़ा भाजपा के कार्यकर्ता एक संविधान के निर्माता नमन करने तो भी रोक रहे हैं ये बहुत ही दुखदायी घटना असी यदा खंडन करते हैं और सरकार तो मंग करते हैं कि जेडे दोषी ने उन्होंने जल्द तो जल्द जी सज़ा मिल।